ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स ऐसे जीव जिनके पास ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती है, फिजिकली और मेंटली कुछ इंसान की तरह ही होते हैं। कुछ ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स इमेजिनेशन का कमाल होते हैं, तो कुछ के चर्चे तब होने शुरू हुए जब उन्हें वास्तव में देखा गया। वेयरवुल्फ ये भी एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर ही होते हैं। असल में ये एक इंसान ही होते हैं जिनके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति होती है जो उन्हें वेयरवुल्फ में बदल देती है। अभी भी हर साल वेयरवुल्फ के रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या वेयरवुल्फ सच में होते हैं? अगर नहीं तो वेयरवुल्फ से जुड़ी घटनाएं क्यों होती है? कितनी सच्चाई है इन घटनाओं में, चलिए देखते हैं। जर्मनी बेडबर्ज। बात है साल 1589 की। उस वक्त शहर में काफी डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि शहर के लोग किसी अनजान चीज के द्वारा मारे जा रहे थे। डेड बॉडी को देखने पर ऐसा लगता था कि कोई जानवर ने उन्हें मारा हो। कुछ दिनों से ये बात फैलने लगी कि एक भेड़िया जैसा दिखने वाला जीव, जो कि दिखने में काफी शक्तिशाली और खूंखार है, वो लोगों को मार रहा है। अब तो लोग और ज्यादा डर गए। अकेले सफर करना या घूमना बिल्कुल बंद हो गया। सब झुंड में ही सफर करने लगे। लेकिन लोग इस तरह से आखिर कब तक जीते? इसलिए अब उस भेड़िया को पकड़ने का प्लान बनाया गया। बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार जब उस भेड़िया के लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया, तो वहां पे जाने पर भेड़िया नहीं बल्कि एक किसान मिला जिसका नाम पीटर स्टब था। क्योंकि भेड़िया के लोकेशन पर यह मिला, इसलिए इसे पकड़ लिया गया। इसे खूब टॉर्चर किया गया, तब जाकर इसने कबूल किया कि सभी मर्डर इसने ही किया है। जब उससे पूछा गया कि तुम वेयरवुल्फ में कैसे बदलते हो, तो उसने ये कहा कि उसके पास एक जादुई बेल्ट है जिसे पहनने के बाद वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसने कहा कि उसे एक डेविल ने बेल्ट दिया था। वो बेल्ट कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। पीटर के द्वारा ये सब गुनाह कबूल करने के बाद भी उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये मानते थे कि पीटर निर्दोष है। उन लोगों का ये मानना था कि वेयरवुल्फ में बदलना इम्पॉसिबल है, इसलिए पीटर जरूर कोई बीमारी का शिकार होगा। वैसे अगर हम इस सिचुएशन को मॉडर्न साइंस की मदद से समझे, तो हो सकता है कि पीटर को लाइकेनट्रोफी नाम का बीमारी हो। लाइकेनट्रोफी बीमारी जिसको भी होता है, वह इस भ्रम में जीने लगता है कि वह एक वेयरवुल्फ है। वह अपने पूरी बॉडी पे हेयर को फील करने लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे ये बड़ा ही अजीब किस्म की बीमारी है और बहुत ही रेयर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पीटर को लाइकेनट्रोफी नाम की बीमारी थी, या फिर जो वह कह रहा था वह सच है। वैसे इसका जवाब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियल हो चुका है। मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ, आपको जिस साइड जाना होगा चले जाना। वेयरवुल्फ हंटर्स यानी कि जिन लोगों ने पीटर को पकड़ा था, उन लोगों का ये दावा था कि पीटर एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि उन्होंने उसे सेफ शिफ्टिंग करते हुए देखा था। मतलब ये कि वेयरवुल्फ हंटर्स ने पीटर को भेड़िया से इंसान में बदलते हुए देखा था। उस वक्त यही सबसे बड़ा सबूत था कि पीटर एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि वेयरवुल्फ हंटर्स ने जो देखा था, इसलिए पीटर को पकड़ा नहीं गया और उसे मार दिया गया। इस घटना के अगले ही साल यानी कि 1590 में एक चैप बुक आई थी। उसी बुक का कहानी अभी आपने सुना है। उस चैप बुक में क्या लिखा हुआ था वो अभी भी अवेलेबल है, यानी कि ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होकर नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सच्चाई कुछ ज़्यादा ही है। वेयरवुल्फ में बदलना मैजिक सा लगता है, इसलिए इस पर ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंस की मदद से एक इंसान वेयरवुल्फ में बदल सकता है। अगर ये बात सही है कि हंटर्स ने पीटर को रूप बदलते हुए देखा था, तो जो बात पीटर ने कहा था वो सब सच होगा। उसे एक डेविल ने ही बेल्ट दिया होगा जिसकी मदद से वो वेयरवुल्फ में बदलता था, और वो डेविल कोई इंसान नहीं होगा बल्कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ही होगा जिसके पास जादुई बेल्ट जैसा कोई टेक्नोलॉजी होगा। कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं। आपको इस भ्रम से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि एलियंस सच में होते हैं। वो हम पे नज़र बनाए हुए हैं, और दुनिया के कुछ ग्रेट पावर्स के साथ तो उनका संपर्क भी है। ये सभी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जब आप इन सभी चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो आपको बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। ऐसी बातें हमसे गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है। सोशल मीडियाज पे भी खुलकर इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना अलाउ नहीं है।
हो सकता है कि पीटर की स्टोरी कंट्रोवर्शियल ना हो, इसे बनाया गया हो। शायद वेयरवॉल्फ हंटर्स ने सच में पीटर को रूप बदलते हुए देखा होगा। वैसे वेयरवॉल्फ और वैम्पायर्स जैसे क्रिएचर्स के पीछे अगर हम एलियंस का हाथ मान लें तो इन सभी क्रिएचर्स से जुड़ी लगभग सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। वैसे मान भी लेना चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो में सावा सेवनविच की स्टोरी और इस वीडियो की पीटर स्टब वाली स्टोरी, ये दोनों घटना क्यों घटी थी, ये दोनों एक ही चीज की तरफ पॉइंट कर रही है। वैसे एक ही कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे तो दो अलग अलग घटना डबल कन्फर्मेशन दे रही है। तो आपको क्या लगता है?